मैं उन सब लोगों से मिलने के लिए गया था। बहुत बहुत गरीब परिवारों से आते हैं, उनसे बात करके बहुत दिल दुख हुआ और मुझे पता चला कि अभी तक शायद गुजरात के मुख्यमंत्री उन लोगों से मिलने नहीं गए। गुजरात के मुख्यमंत्री उन लोगों से मिलने नहीं गए, सीआर पाटिल साहब भी उन लोगों से मिलने के लिए नहीं गए। मैंने किसी बीजेपी वाले से पूछा कि ऐसा क्यों, आपके मुख्यमंत्री पाटिल साहब उनसे मिलने क्यों नहीं गए, तो वो बीजेपी वाला बोलता है कि इससे वोट पे असर नहीं पड़ेगा। हर चीज में वोट नहीं होता, इंसान की जिंदगी इंपॉर्टेंट होती है। हर चीज में वोट नहीं देखते, इंसान की जिंदगी इंपॉर्टेंट होती है, इंसान की जिंदगी महत्वपूर्ण होती है, इंसान का जो इंसान से रिश्ता है वो जरूरी होता है। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री आके गुजरात के अंदर उन पीड़ितों से मिल सकता है तो गुजरात के मुख्यमंत्री का तो फर्ज बनता है। जब मैं अस्पताल में गया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि कहां से लाए शराब तुम लोग, बोले सर रोज शाम को आती है, रोज बिकती है। तो मैंने कहा छुप के बिकती है, बोले नहीं खुलेआम बिकती है, गांव गांव के अंदर बिकती है, खुलेआम शराब मिलती है, जिसको चाहिए आराम से मिलती है, हम रोज पीते हैं, शहर में भी बिकती है खुलेआम, अगर आप फोन करो तो घर पे भी डिलीवरी देके जाते हैं। ऐसा है क्या पूरे गुजरात के अंदर? और ये लोग तो कहते हैं नशाबंदी है यहां पे, ये लोग तो कहते हैं। तो ये सारा कोई मेरे को बता रहा था, मैं मीडिया में पढ़ रहा था, हजारों करोड़ रुपए का धंधा है नकली शराब, गैर कानूनी शराब का गुजरात के अंदर, हजारों करोड़ रुपए का, किसका धंधा है ये, किसका धंधा है ये? नशाबंदी के नाम पे हजारों हजारों करोड़ रुपए का कई सालों से धंधा कर रखा है इन लोगों ने। आपसे पूछना चाहता हूं, कौन कौन अपने बच्चों को जहरीली शराब पिलाना चाहता है? जो जो लोग अपने बच्चों को जहरीली शराब पिलाना चाहते हैं इनको वोट दे देना, जो जो अपने बच्चों को रोजगार और शिक्षा देना चाहते हैं मेरे को वोट दे देना। इनको वोट दोगे तो जहरीली शराब मिलेगी, भ्रष्टाचार मिलेगा, हमें वोट दोगे स्कूल अस्पताल और बच्चों को रोजगार मिलेंगे। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक खबर पढ़ी, 23 साल के एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। बेरोजगार था, नौकरी नहीं मिल रही थी, कई जगह अप्लाई किया, नौकरी नहीं मिली, हार के उसने अपने पापा के नाम एक चिट्ठी लिखी और उसने, गुजरात की कहानी बता रहा हूं मैं, अभी थोड़े दिन पहले पिछले हफ्ते की बात है, गुजरात की कहानी, 23 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली। बोला पेपर, सरकारी नौकरियों के पेपर का नहीं पता कब नौकरी निकलेगी, कोई तारीख का नहीं पता, पेपर फूट जाते हैं,